हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं डॉट वीडियो लेकर। आज की वीडियो में बहुत कम सवाल है मेरे पास, दो तीन सवाल हैं, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल है। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे भी आया है वो आप पढ़िए और उसको देखिए क्या क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन पढ़ने में आपको मिस्टेक नहीं करना। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है व्हाट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फाइव का मॉडुलस। मतलब क्वेश्चन अगर ये आपसे पूछ बोल रहा है, समझिएगा इस बात को। क्वेश्चन अगर आपसे ये बोल रहा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फाइव। आपसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अब इसका क्या मतलब है, देखिए कैसे इसको समझेंगे। बहुत लोग इसको मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब मोर देन 90% लोग इसका आंसर माइनस फाइव बता रहे हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है। माइनस फाइव इसका आंसर नहीं है। आप समझिए, अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं, इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए अभी। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस फाइव, तो आप तुरंत बोलेंगे आंसर माइनस फाइव। यस, करेक्ट है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन जो दिया हुआ पूछ रहा है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो पहले इसका वैल्यू तो पता कर लीजिए क्या है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कोई भी एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट साइन और इसी को बोलते हैं मॉडुलस साइन भी। इसको मॉडुलस, ये जो सिंबल है इसको मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस, या फिर इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन या एब्सोल्यूट साइन। ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले तो आपको पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका पहले समझ लीजिए, फिर बताऊंगा जो चीजें इसके बाद है। माइनस फाइव का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो फाइव होगा और इसके आगे एक माइनस और लगा हुआ है। इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस फाइव। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फाइव। इसको रिप्लेस करके आपने क्या लिख दिया, माइनस फाइव। तो आप खुद बताइए माइनस फाइव का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव। अब देखिए क्या है, कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन और अगर उसमें नंबर दिया हुआ है, एक्स वाई नहीं है सिर्फ नंबर है, तो आंख मुन के आप पॉजिटिव टिक मार के चले आइए। ध्यान देना है, अगर उसने कहीं भी लिख दिया है व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ और उसने कुछ भी लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या लिखा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। क्या रिजल्ट होगा, पॉजिटिव। आप इसको सिंपलीफाई करके देख लीजिएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर इसमें ऐसा उसने छेड़खानी कर रखा है कि सिर्फ माइनस का खेला आपको सामने कर दिया है, ऐसा कर दिया है, कुछ भी ऐसा कर दिया हो और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा पांच आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी है, एब्सोल्यूट जब लास्ट में हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दिया हुआ है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दिया हुआ है 6, 7 और 8 है। साथ में एक चीज और दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 14 है। आपको पता करना है सी की वैल्यू क्या होगी। आप खुद देखिए, अगर यहाँ पे आप सारे को रेशियो को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू, और वो कितना हो जाएगा, 6, 7, 13, 8, 21/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, 2a a प्लस b प्लस c की। 21 किसकी वैल्यू आ रही है, 2a प्लस 2b प्लस 2c। हम 2 से डिवाइड कर देंगे, मिल गया a प्लस b प्लस c की वैल्यू। हमें c की वैल्यू निकालनी है तो ab की वैल्यू माइनस कर देंगे। आप माइनस कर दीजिए तो 9/2 वैल्यू निकल कर आ गया, क्या चीज की, c की। आपको क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 14 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन दिया हुआ। तो आप देखिए कि ये 9/2 कब हुई है, जब a प्लस बी प्लस सी कितना है, a प्लस बी प्लस सी कितना है, 21/2। मतलब 21/2 की वैल्यू जब 14 है तो आपको बताना है 9/2 की वैल्यू क्या होगी। इतना सा क्वेश्चन था, तो आप क्या करेंगे, 7 से काट दीजिए 2, 7 से काट दीजिए 3, 2 इधर गुना हो गया 4 और 4/3 हो गया उधर जाके, और 9 की वैल्यू कितनी जाएगी, 9/2 × 4/3, कितना रिजल्ट आ गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगा,
ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, आपको समझा दे रहा हूँ। फिर इस क्वेश्चन को भी देखिए, जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस वीडियो में या पिछले वीडियो में, क्वेश्चन आपको देखकर टिक मारने वाला, कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेशन कैलकुलेटिव नहीं है। आप देखिए क्या रहा है कि a प्लस बी और रूट ए बी का जो रेशियो है ये 4:1 है। साथ में बोल रहा है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, ये जो दे दिया है ना यही आपके लिए सफिशियंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए ऑप्शन देखिए, रूट ए बी और ए प्लस बी का वैल्यू 4 किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तो आपको सिर्फ a और b में मिल रहा है कि नहीं। a और b में जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, और दोनों को गुना करेंगे तो भी 1 मिलेगा, और 1 का रूट 1, मतलब ऑप्शन या तो a सही होगा या तो b सही होगा। अब बात आती है इसकी, यहां पे जो बोल रखा है ये नहीं दिया है कि a और b पॉजिटिव है, इसने साथ में ये भी लिख दिया है कि a है जो बड़ा है बी से, मतलब प्लस वाला पहले होगा और माइनस वाला बाद में होगा, क्योंकि हमसे ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। ये हमारा क्या है, बड़ा है, तो हम डायरेक्टली इसको टिक मार देंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आ रहे कुछ क्वेश्चन लेकर, और नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आ रहा है उसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे। आप वीडियो का वेट कीजिए, तब तक इस वीडियो को वॉच कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।